सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू एपिसोड। तो आज की जो वीडियो है वो बेसिकली हमारा एक ट्रैवल ब्लॉग है। तो हम जा रहे हैं कैलाश यात्रा में, जो कि अराउंड यहाँ से 1400 फीट हाइट पे है। वहाँ पे कितना टाइम लगता है वो सब मैं आपको बताऊंगा टाइम टू टाइम। बस एक चीज़ मैं आपको मेनली जो इस वीडियो में इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस यात्रा में मैं नहीं जा सका था क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे एंड मेरे जो कजन ब्रदर है वो सब गए थे वहाँ पे। उन्होंने मेरे लिए सारा कंटेंट शूट करा एंड मैं आपको यहाँ पे वो कंटेंट डिलीवर करने आया हूँ। तो भाई मैं आपको सच में बता रहा हूँ, काफी ज्यादा प्यारा कंटेंट है, इतने प्यारे प्यारे व्यू है यहाँ पे। बेसिकली आपने थंबनेल देख के पता चले गया होगा। सो बेसिकली यार 3 दिन का ट्रैक है, तो अराउंड 40 किलोमीटर का सारा टोटल ट्रैक है। 40 किलोमीटर सिर्फ जाने में एंड 40 किलोमीटर आने में, टोटल हो गया 80 किलोमीटर। तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि हमने 3 रातें कहाँ कहाँ पे स्पेंड करी है, कैसे कैसे करा है। तो लास्ट टाइम जब हम विंटर में गए थे अपने वहाँ पे लाटी, यहाँ पे मेरे भैया थे, तो वहाँ पे हमने फर्स्ट नाइट वहीं पे स्टे करी है। सेकंड नाइट मतलब हमने नहीं, मेरे भाई बहन ने स्टे करा था सियोजदार, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारी लोकेशन है। तो बाकी सब मैं आपको बताऊँगा सीधे वीडियो के चलते चलते। तो अब निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं आपको सीधा अपनी गाड़ी में। सो यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी मेन ट्रिप एंड अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं लाटी वाली साइड। तो लाटी जाते टाइम कुछ ऐसा व्यू आता है एंड मैं आपको बताऊँ लाटी मेनली पड़ता कहाँ पे है। तो जो हमारा पत्नी टॉप है ना, उससे अराउंड 50 या 60 किलोमीटर आगे है ये लाटी। पत्नी टॉप से काफ़ी ज़्यादा प्यारी लोकेशन है, तो कुछ ऐसा व्यू है यहाँ पे। तो आज की हम जो फर्स्ट नाइट होगी वो हम वहीं पर स्पेंड करेंगे अपने भैया के पास। तो ये था मेरे कजन घर का पहला स्टॉप। तो यहाँ पे इन्होंने अपने दोनों ने चेयर्स लगाई थी एंड यहाँ पे बैठ के इन्होंने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करा। तो आप लोकेशन को एंजॉय करो, व्यू को देखो, कितना ज्यादा प्यारा व्यू है यहाँ पे। तो सुबह का टाइम हो रहा था अराउंड 9 एंड यहाँ पे बच्चे कुछ इस टाइप से स्कूल जा रहे थे। फाइनली यार कुछ टाइम बाद हम पहुंच गए थे अपने भैया के पास एंड अभी आप जो व्यू देख रहे हो ये मेरे भैया के रूम के सामने का व्यू है। एंड ये सामने जो आपको ऊपर फोटो दिख रही है ये हमारी तब की फोटो है जब मैं यहाँ पे विंटर्स में आया था एंड यहाँ पे स्नोफॉल काफ़ी प्यारा हुआ था। सो अभी आप कुछ टाइम लैप्स यहाँ पे इंजॉय करो। The next morning. सो यार ये हमारी फर्स्ट मॉर्निंग है, वहाँ पे जाके जो हमने नाइट स्पेंड करी वो करी थी हमने अपने भैया के रूम में। तो यार ये आगे जो हमारी मेन मोमेंट जहाँ से हमारी मेन यात्रा स्टार्ट हुई थी एंड यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू था। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे यात्रा किस टाइप से स्टार्ट होती है एंड मेरे भैया वगैरह ने यहाँ पे इनॉग्रेशन करी थी पूरी यात्रा की। ये देखो यहाँ से कुछ लोग आ रहे हैं जो कि यहाँ से यात्रा स्टार्ट करेंगे एंड ये सब यहाँ से पैदल जाएंगे। मेनली क्या है कि यहाँ से यात्रा स्टार्ट होने के बाद थोड़ी देर आगे तक आप गाड़ी ले जा सकते हो, तो हम तो बेसिकली गाड़ी में गए थे। ये अभी यहाँ पे मेरे भैया वगैरह एंड बाकी जो उनके डिपार्टमेंट है ये सारा यहाँ पे इनॉग्रेशन कर रहा है हमारी इस यात्रा का। एंड फाइनली अब यहाँ से यात्रा स्टार्ट हो चुकी है एंड यहाँ से हम थोड़ी देर जाएंगे अपनी गाड़ी में डूडू तक एंड यहाँ से फाइनली अब हमारे जो है वो पैदल यात्रा, हमारा जो 40 किलोमीटर का ट्रैक है वो स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है। तो यार अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे लोग जो है जिन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। ये जो व्यू है ये इनको मिला था अराउंड 1 घंटा ट्रैक करने के बाद एंड कुछ यहाँ पे ऐसा व्यू था। तो अभी आप इस व्यू को एंजॉय करो। यार ये यहाँ पे इनको मिला था इनका पहला लंगर जहाँ पे इन्होंने थोड़ा बहुत खाना खाया था एंड देन इसके बाद यहाँ से फिर निकल चुके थे एंड यहाँ से जो था सबसे गंदा वाला रास्ता स्टार्ट हुआ। देख लो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं एंड सीधी एकदम से चढ़ाई स्टार्ट हो गई थी और व्यू आप चेक कर सकते हो एंड छोटी छोटी बारिश यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। यार ये व्यू चेक करें आप, यार कितना ज़्यादा प्यारा मौसम है यहाँ पे। देखो एकदम से क्लाउड्स बिल्कुल नीचे आ चुके हैं एंड छोटी छोटी बारिश हो रही है, बट ट्रैक करने में इनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ रही थी।
यार यहाँ पे इनको छोटा सा एक तालाब टाइप मिल गया था, तो वहाँ पे देखो सारे लोग अंदर तक जा रहे हैं फोटोग्राफ क्लिक करने के लिए, तो ये भी थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे गए थे एंड देन इन्होंने यहाँ से अपनी फिर से यात्रा स्टार्ट कर दी थी। ये व्यू चेक करें आप यार, कितना प्यारा मौसम है, कितना प्यारा व्यू है। एंड आप सामने देख सकते हो वो ऊपर तक लोग ट्रैक कर रहे हैं, अब इनको काफ़ी ज़्यादा ट्रैक करना था। एंड ये सामने यहाँ से एक नदी बह रही थी जिसमें कि बस हमारा जो ग्लेशियर का पानी ठंडा पानी आ रहा था। एंड अभी आप बस थोड़े बहुत सिनेमेटिक्स यहाँ पे इंजॉय करो, थोड़ी बहुत टाइम लैप्स इंजॉय करो। तो यार ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट जगह, तो ये सामने जो आपको बड़ा सा पत्थर दिख रहा है ये बेसिकली एक एलिफेंट है, एक हाथी है। एंड इसके साथ यहाँ पे जो छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं ना, ये बेसिकली पत्थर हैं जो हमारे भीम थे ना, वो यहाँ पे इनके साथ खेला करते थे। एंड सच में यार इतने ज़्यादा टाइम के बाद एक नॉर्मल प्लेन सा इनको रोड मिला था, एक रास्ता मिला था। एंड यहाँ पे आप व्यू देख सकते हो, बारिश लगी है, नीचे पानी हो रखा है। सो यार अभी आप मेनली सारा का सारा व्यू एंजॉय करो एंड वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। एंड यार अभी यहाँ पे इनको चले हुए अराउंड 4 घंटे हो गए थे एंड इन्होंने सिर्फ आधा रास्ता कवर करा था, आधा भी नहीं, आधा से थोड़ा बहुत कम था। एंड यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट नाइट स्पेंड करनी है अपनी, वहाँ पे पहुँचने में अभी इनको काफ़ी ज़्यादा टाइम था, अराउंड इनको 3-4 घंटे और लगने थे सिर्फ उस जगह पर पहुँचने के लिए। एंड वो सामने आप देख रहे हो, सामने वाला पहाड़ है, ये सब इनको अभी पूरा का पूरा ट्रैक करना है, तो यार काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था इन सबके लिए। Few moments later. And finally यार finally ये सब अब पहुँच चुके हैं अपनी उस लोकेशन पे जिसका नाम है सियोजदार, जिसके बारे में आपको बता रहा था स्टार्टिंग में, काफ़ी ज़्यादा प्यारी लोकेशन है। तो आप खुद देख सकते हो कितनी ज़्यादा प्यारी लोकेशन है, एकदम से बिल्कुल प्लेन ग्राउंड है। एंड यहाँ पे जी अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड करेंगे अपने ट्रैक की, तो यहाँ पे इनको पहुँचने में लग गए थे टोटल 8 घंटे, मीन्स कि एक दिन आपको यहीं पे स्पेंड करना पड़ेगा। आप अगर आप यहाँ पे इस यात्रा में आओगे तो आपको भी सेम यहाँ पे फर्स्ट नाइट स्पेंड करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे मेनली जब यात्रा आती है तो सारा अरेंजमेंट यहाँ पे प्री प्लान किया होता है, तो यार हमारे लिए एंड भैया वगैरह के लिए यहाँ पे सारा अरेंजमेंट था, इवन कि हमारे साथ फोर्सेस भी थी, पूरी सिक्योरिटी वगैरह थी, खाना पीना रहने का सारा कुछ यहाँ पे ऑलरेडी डन था। और सामने देख सकते हो कितने ज़्यादा यहाँ पे टेंट वगैरह लग रखे हैं, कितनी यहाँ पे दुनिया हमसे पहले पहुँच चुकी है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसे कैसे इन्जॉय करा है, इनकी नाइट कैसे स्पेंड हुई है, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सो यार पहले आप यहाँ पे इस लोकेशन को चेक करो, इसका पूरा व्यू को एंजॉय करो, मैं आपको पूरा 360 दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे एंड कितना एंजॉय करा यहाँ पे इन सब ने। Thank you.
नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ की मॉर्निंग कुछ ऐसी होती है। तो ये चेक करें आप सामने का पूरा नज़ारा, कितना प्यारा मौसम है। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं एंड आप देख सकते हो क्या हालत है यहाँ की। एंड यहाँ से अभी हम निकल जाएंगे अपने ट्रैक के लिए बिना कुछ खाए पिए। तो यार यहाँ से हम फिर निकल चुके हैं अपने ट्रैक के लिए। तो आज के दिन जो होगा वो हम पूरा अपने ट्रैक को कंप्लीट करेंगे, ऊपर जाएंगे, वहाँ पे दर्शन करेंगे एंड वहाँ से वापस हम यहीं पे आएंगे एंड अपनी जो सेकंड नाइट है वो भी हम यहीं पे स्पेंड करेंगे। अगर हम चाहते हैं तो अपनी जो हमारी सेकंड नाइट थी वो हम ऊपर स्पेंड कर सकते थे, बट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है एंड वहाँ पे इतने ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं है, इसलिए इन सब ने अपनी सेकंड नाइट भी यहीं पे आके स्पेंड करी है। तो फिलहाल अब यहाँ से निकल चुके हैं एंड आप यहाँ पे मौसम इंजॉय कर सकते हो। एंड भाई ये था सबसे मुश्किल वाला ट्रैक इन सब के लिए। ये एकदम 90 डिग्री पूरा का पूरा खड़ा पहाड़ था जिसमें कि इनकी पूरी हालत हो गई, यानी वो अब टॉप पे देखो कहाँ कहाँ तक दुनिया जा रही है एंड यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो यार मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि ये यात्रा जो है दो तीन जगह से आगे मिलती है। ये सामने जो आपको त्रिशूल दिख रहा है, ये ऊपर से जो लोग आ रहे हैं वो आ रहे हैं पदरवा वाली साइड से, हम गए थे डुड्डू वाली साइड से। तो दोनों साइड से यहाँ पे आके यात्रा मिल सकती है। तो आपको जिस साइड से आना होगा आप आ सकते हो। पदरवा वाली साइड से थोड़ा आसान पड़ जाता है एंड जो हमारा डुड्डू वाली साइड है यहाँ से आपको ज़्यादा ट्रैक करना पड़ेगा। फाइनली जो हमारी पूरी ट्रैक था, पूरी यात्रा थी वो ख़त्म हो चुकी है एंड हम पहुंच चुके हैं अपने मेन डेस्टिनेशन पे, जो कि था हमारा पूरी कैलाश यात्रा। वो यहाँ पे आके ख़त्म होती है। तो अभी यहाँ पे एक आपको आगे जाके दो तीन अलग अलग टाइप के तालाब टाइप मिलेंगे, तो वहाँ पे जाके हम नहाएंगे। वहीं पे जाके जो है सारी यात्रा की जो थकान होती है वहाँ जाके सब का सब दूर हो जाता है। तो आप देख सकते हो हमसे पहले यहाँ पे कितनी दुनिया पहुँच चुकी है एंड यहाँ पे रहना सेफ नहीं था। एंड ये आप देख रहे हो यहाँ पे तीन टाइप की अलग अलग जो तालाब टाइप हैं एंड यहाँ पे कुछ में नहाना मना है, लेकिन हम जो जिसमें नहा सकते हैं वो सब मैं आपको बताता हूँ। एंड ये रहा वो मेन तालाब जहाँ पे कि अभी हम नहाएंगे एंड अपनी यात्रा को जो है यहाँ पे ख़त्म करेंगे। एंड ये जो पानी आप देख रहे हो ना इस तालाब में, ये टोटली जो है ये पूरा ग्लेशियर का पानी, इतना ज़्यादा ठंडा था ना भाई क्या बताऊँ।
एंड हम यहाँ पे नहा नो के फ्री हो चुके थे। एंड अभी हम इस पूरे तालाब का पूरे कुंड का एक राउंड लेंगे एंड देन उसके बाद निकल जाएंगे यहाँ से वापस। एंड हमारी सारी यात्रा कंप्लीट हो चुकी है, अब हम यहाँ से जा रहे हैं वापस एंड अपनी नाइट स्पेंड करेंगे फिर से वहीं पे सियोजदार। तो ये जो अपना सेकंड पार्ट होगा वो आपको मिलेगा नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय, वेट करो नेक्स्ट पार्ट का, मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ।